नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने और हमारे YouTube चैनल करियर मिरर पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो है अपना एक दो से तीन जो टॉपिक है अपने साहित्य भाषा से संबंधित अपन ने पूरे कर लिए हैं। तीन से चार क्लासें उनकी हुई थी, लगभग 30 से 32 मिनट की क्लासें अपनी हुई थी। तो उनमें अपन ने जो है रीट के सिलेबस का देखते हुए या अपन दूसरे एग्जाम्स का देखते हुए जो पहला जो बिंदु है, जो तीन से चार बिंदु अपने होते हैं, वो अपन ने क्लियरली अच्छे से कर लिए हैं। आपने भी, मैं आशा करता हूँ कि आपने भी वो देखे होंगे। तो आज जो अपना बिंदु लेने वाले हैं ना, वो लेने वाले हैं अपन लोक देवता के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लोक देवता ही होते हैं। लगभग हर किसी एग्जाम में, हर जो एग्जाम आपके आने वाली है, हर उस एग्जाम में आपके लोक देवता से एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी एग्जाम का आप पेपर उठा के देख सकते हो, हर उस एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आप एग्जाम देने जा रहे हो। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि जो आपके जो सप्ताह चल रहा है तिरंगा फहराओ, तो आप भी उसमें भागीदारी अच्छे से निभाना। अब अपन चलते हैं अपने जो टॉपिक है, कौन सा है लोक देवता, कौन सा है अपने लोक देवता व देवियां, जिसमें सबसे पहले अपने पास है लोक देवताओं की अपन चर्चा करेंगे कि लोक देवता कौन कौन से हैं। पूजा चौधरी, राम राम गुरु जी, राम राम जी, दिनेश मोलापुरिया सर जी, आज आंसर की आने थी, बिल्कुल 16 तारीख तक बिल्कुल चांस है 100% आने की, आंसर की आ जाएगी। दिनेश जी निश्चिंत रहे, आप पास है, मैंने पहले भी आपको बोला है। अब अपन अपने जो है बिंदु पे चलते हैं कि अपना जो बिंदु है लोक देवता कौन सा, राजस्थान के लोक देवता, कौन सा अपना बिंदु, राजस्थान के लोक देवता। इन पे चलते हैं, राजस्थान के लोक देवता में लोक देवियां। इसे पढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात यह होती है कि राजस्थान के जो लोक देवता है वो होते क्या है। तो लोक देवता, जैसे आपको अर्थ से, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लोक देवता लोगों के द्वारा पहचानने वाले देवता, लोगों के द्वारा प्रसिद्ध देवता, लोगों के मन में बसने वाले जो देवता होते हैं उनको कहते हैं लोक देवता। लोग जिनकी अपने स्थानीय, अगर सामान्य भाषा में अगर बात करें तो लोग जिनकी पूजा करें, कौन करें, जो लोग हैं अपन लोग जो हैं, लोग जिनकी क्या करें, पूजा करें, तो वो क्या होते हैं, लोक देवता होते हैं। सामान्य भाषा है कि लोग जिनकी पूजा करते हैं वो होते हैं लोक देवता। कौन होते हैं, लोग, सामान्य भाषा, लोग जिनकी पूजा करें वो लोक देवता होते हैं। अगर लोक देवताओं को ऐसे अपन मुस्लिम समाज के देखें कि मुस्लिम समाज में लोक देवताओं क्या कहते हैं, तो पीर कहते हैं, क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। अपनी जो संस्कृति है उसमें तो लोक देवता कहते हैं लोगों के द्वारा जो पूजे जाने वाले देवता, जो लोग जिन्हीं को पूजते हैं, जिनका चारित्रिक चित्रण सही होता है, या जिनका जो गो रक्षार्थ में महत्वपूर्ण स्थान रहा हो, या जो अपने चारित्र के कारण या अपनी उपलब्धियों के कारण बहुत लोगों में प्रसिद्ध हो, तो उन्हें क्या कहते हैं अपने लोक देवता, और जिनको लोग जो है पूजते हैं उनको मुस्लिम क्या कहते हैं, लोक देवताओं को पीर कहते हैं, क्या कहते हैं अपने, पीर कहते हैं। तो दो दो अपने नाम हो गए, एक तो लोक देवता हो गए, लोक देवता हो गए, और दूसरे क्या हो गए अपने, पीर हो गए, क्या हो गए, पीर हो गए। तो लोक देवता अपने सामान्य हिंदू समाज जो है इनको लोक देवता बोलता है, और मुस्लिम समाज जो है इनको क्या बोलता है, पीर बोलता है। अब लोक देवताओं को ऐसे भी बहुत से ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और अपने मुस्लिम समाज भी दोनों पूजते हैं। तो जिनको हम पूजते हैं उनको लोक देवता कहते हैं, जिनको मुस्लिम पूजते हैं, मुस्लिम समाज जिनको पूजता है उन्हें कहते हैं अपने पीर कहते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोक देवता है जिनको दोनों समाज आपस में पूजते हैं, बहुत से जैसे रामदेव जी हो गए, बहुत से ऐसे लोक देवता है जिनको दोनों समाज पूजते हैं। तो लोक देवता ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम समाज पूजते हैं, पीर कहते हैं, और उन्हीं को अपन ने लिया है पंच पीरों में। किनमें लिया है, पंच पीरों में। अपने आगे नाम आ रहा है पंच पीर, क्या नाम आ रहा है, पंच पीर। तो पांच पीर, पीर का मतलब लोक देवता, अपनी भाषा में ये लोक देवता, मुस्लिम समाज के लोग इनको कहते हैं पीर। तो अब पंच पीर मतलब पांच लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम समाज भी पूजता हो, तो पंच पीर। तो पांच ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम समाज द्वारा भी अपने पूजा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि लोक देवता जैसे लोगों के द्वारा पूजा पूजे जाने वाले देवता, जिनके चरित्र के कारण, जिनके गो रक्षार्थ के कारण, जिनका सामाजिक चरित्र के कारण या समाज में जिनकी भागीदारी के कारण इनको जो है अपन पूजते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लोक देवता। अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो इन्हें मुस्लिम समाज कहता है पीर, अपन कहते हैं लोक देवता। और ऐसे बहुत से लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम समाज और अपन, मतलब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों आपस में पूजते हैं। कुछ हिंदू समाज के लोक देवताओं को मुस्लिम समाज भी पूजता है, जिन्हें क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। तो पंच पीर उन्हीं का नाम है। ऐसे पांच लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों क्या करते हैं, आपस में पूजते हैं, जिनको दोनों जो है कॉमन, जिनके अगर मान सकते हैं कि कॉमन है ये, तो मुस्लिम समाज और अपने हिंदू समाज या हिंदू लोग दोनों जो है लोक देवता वो पूजते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पंच
पीर, तो पंच पीरों में कौन से आते हैं? आपने आपके प्रश्न ये पूछता है कि पंच पीरों में कौन से लोक देवता आते हैं, पंच पीरों में कौन से लोक देवता आपके शामिल होते हैं। तो पंच पीरों में अपन बात करें, जैसा कि आपके सामने स्पष्ट है, वैसे तो ये बड़ी लाइन है, हो सकता है आपको याद हो या ना हो, तो पाबू हड़बू रामदेव, क्या नाम है? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, आपको याद करना है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पधारो पांचो पीर गोगा जी जेहा। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पधारो पांचो पीर गोगा जी जेहा। अगर आपको ये लाइन याद होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो पांचों पीर है ना, पांचों पंच पीर, वो आपको याद हो जाएंगे। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो इसको याद रखो गोपा मेहरा, क्या याद रखो? गोपा मेहरा। तो इससे भी आपको जो पांचों पीर आ जाएंगे गोपा मेहरा, या आपको ये लाइन याद होती है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पधारो पांचों पीर गोगा जी जे हाँ, तो गोपा मेहरा भी याद रख सकते हो, जिसमें सबसे पहले अगर अपन नाम लेते हैं तो गो से क्या होगा? गोगा जी। क्या होगा? गोगा जी राठौड़, गोगा जी, गोगा जी का नाम आता है गो से, गोगा जी। अपने गो से ले लेते हैं गोगा जी, अगले लेते हैं पास से पाबू जी, किनको? गोगा जी के बाद में पाबू जी से लेते हैं, दूसरे लेते हैं अपन पाबू जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी मांगलिया, क्या लेते हैं? मेहा जी मांगलिया। तो मे से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी मांगलिया। अपने लेते हैं है से हड़बू जी, है से कौन से लोक देवता आएंगे अपने? हड़बू जी। कौन से आएंगे? हड़बू जी। तो अपने चार लोक देवताओं की बात कर ली जो पंच पीर के रूप में पूजे जाते हैं, कौन से? गोपा गोगा जी, अपने पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, और लास्ट है रा से क्या लेंगे अपन? रामदेव जी। क्या लेंगे? रामदेव जी। तो याद करते हुए चलें इनके ट्रिक, गोगा गोपा मेहरा, क्या? गोपा मेहरा। उससे पहले एक बार थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मनोबल मिले और आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा मजा आए। क्या नाम दिया है मैंने आपको? बताया है पांच अपने पंच पीर होते हैं जिनको लोक देवता में, लोक देवता के रूप में अपन पूजते हैं, जिनकी अपन पूजा करते हैं, सामान्य भाषा में लोक जीवन में जिनकी अपन पूजा करते हैं उन्हें लोक देवता कहते हैं, मुस्लिम समाज जो है इनको पंच पीर कहता है। तो पंच पीर जैसे पांच ऐसे लोक देवता हैं जिनको मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों पूजते हैं, तो उन्हें पंच पीर कहा गया है। तो अगर आपको लाइन याद होती है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मिया, पधारो पांचों पीर गोगा जी जी हाँ, या आपको शॉर्ट अगर थोड़ा सा देखना है तो गोपा मेहरा भी आप याद कर सकते हो। क्या नाम है? गोपा मेहरा। क्या? गोपा मेहरा। तो गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और राम देव जी, तो पांचों आपको याद होंगे होंगे, मैं आशा करता हूं आपको 100% ये याद हुए हैं। अगली अपन बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पूजा चौधरी जी कह रहे हैं गोगा जी, बिल्कुल पूजा जी गोगा जी। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले लोक देवता अपन ले रहे हैं यहाँ पे गोगा जी, कौन से ले रहे हैं? सॉरी पाबू जी ले रहे हैं सबसे पहले अपन लोक देवता, यहाँ पे कौन से ले रहे हैं? पाबू जी। पंच पीरों में पाबू जी का नाम आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था। तो अपन सबसे पहले जो लोक देवता लेंगे उनका क्या नाम है? पाबू जी। क्या नाम है अपने? पाबू जी नाम है। तो पाबू जी के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं, हर उस फैक्ट को जानेंगे, हर उस तथ्य को जानेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित रखता है या आपके एग्जाम से संबंध रखता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपन उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं चर्चाओं को यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ में ऐसी पीडीएफ बनाई ताकि आपको साथ साथ ये भी दिखता चले कि साहब गोगा जी ये है, पाबू जी ये है, रामदेव जी ये है, ताकि आपको जो है याद होता चले, और ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पाबू जी को, किनको? पाबू जी को। अब जो पाबू जी का जो जीवन रहा है किस प्रकार से संबंधित रहा है राजस्थान से, क्या इनकी उपलब्धियां रही है, कौन से इन्होंने धार्मिक कार्य किए हैं, उनका जो है वंश कौन सा है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से हैं पाबू जी, इनका जो जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सभी चीजों पे अपन चर्चा करते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था? याद करते हुए चले, कमेंट करते हुए चले ताकि आप सभी को याद हो जाए। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। हुआ कहाँ था? अपने फलोदी तहसील में। कहाँ हुआ था? फलोदी तहसील में। 1239 ईस्वी कब कहाँ हुआ था? फलोदी तहसील में, जो कि कहाँ से, कौन से जिले से संबंध रखती है? अपने जोधपुर से। फलोदी तहसील 1239 जोधपुर तहसील, और गांव कौन सा था? कोल्लू गांव। कौन सा था? कोल्लू गांव। चार चीजें अपने हो गई, 1239 में जन्म हुआ बाबू जी का, फलोदी तहसील में जन्म हुआ है, जोधपुर जिले में जन्म हुआ है, कोल्लू गांव में अपने जन्म हुआ है। तो बिल्कुल याद करते हुए चले, गो बाबू जी का जन्म हुआ है अपने
1239 फड़ोदी तहसील जोधपुर जिला और कोलू गांव, कौन सा कोलू गांव। तो बिल्कुल याद करते हुए चलें आपके 1239 फड़ोदी तहसील जोधपुर जिला कोलू गांव, किनका जन्म हुआ था अपने बाबूजी का। इनके अगर वंश की बात करते हैं तो कौन सा वंश है, बाबूजी राठौड़, कौन सा वंश आता है अपने बाबूजी राठौड़। तो बाबूजी किस वंश से थे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, किस वंश से थे, बाबूजी राठौड़ वंश से थे, किस वंश से थे, बाबूजी राठौड़ वंश से थे। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास अपने पहुंच जाए। बाबूजी राठौड़ वंश से थे, 1239 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, फड़ोदी तहसील में हुआ था, जोधपुर जिला है अपने कोड़ू गांव में हुआ था। तो इनके वंश का नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या नाम आएगा अपने, राठौड़ वंश आएगा। अगली बात करते हैं इनके मेला कहाँ लगता है, हर चीज, हर वो चीज मैंने पॉइंट में लिखी है, खुद बैठ के लिखवाइए ताकि आप सभी को कहीं भटकना ना पड़े, कहीं अलग अलग ना पढ़ना पड़े, आराम से मजे से आप जो है पॉइंट से पॉइंट मिला के पढ़ पाओ। तो मेला जो है चैत्र अमावस्या को इनका क्या लगता है अपने, मेला लगता है। चैत्र माह की अमावस्या को इनका क्या लगता है, मेला लगता है। दिनेश सर जी बार वादा है मैं टीचर बनकर के आपकी मिलने चाहता हूँ। बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल दिनेश जी, आप आराम से पढ़िए, आप 100% टीचर बनोगे। मेला कहाँ लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। जन्म कब हुआ था, 1239 में हुआ था, फड़ोदी तहसील में हुआ था, जोधपुर जिला है, कोड़ू गांव है और राठौड़ वंश है। कौन सा वंश है अपने, राठौड़ वंश है। तो बिल्कुल याद करते हुए कमेंट करते हुए चलना है ताकि याद हो जाए। इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता का नाम क्या है अपने, धांधल जी। क्या नाम है अपने, धांधल जी। तो बिल्कुल याद करते हुए चले, पिता का नाम है धांधल जी। क्या नाम है, धांधल जी। अगली बात करते हैं माता का क्या नाम है बाबूजी के, तो माता का नाम है कमला दे। आपको जो पीछे एक एग्जाम हुई थी उसमें जो है माता के नाम दिए थे, तेजा जी के, पाबू जी के। तो आपको हर उस फैक्ट को याद करते हुए चलना है जो आपका एग्जाम पास करवाए, आपका प्रश्न गलत ना करवाए। तो आपको याद करते हुए चलना है, जन्म का मैंने बता दिया, वंश राठौड़ वंश है, मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, पिता धांधल जी है, धांधल जी राठौड़। क्या नाम लेना है, धांधल जी राठौड़। पिता माता है कमला दे, क्या नाम है माता का, कमला दे। घोड़ी इनकी कौन सी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, घोड़ी का नाम है इनके केसर कालमी। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए क्या नाम है घोड़ी का अपने, केसर कालमी। क्या नाम है, केसर कालमी। तो घोड़ी का नाम है अपने केसर कालमी। क्या नाम है, केसर कालमी। तो घोड़ी का नाम है बाबूजी के, केसर कालमी। तो हर उस फैक्ट को याद करते हुए चलना है, केसर कालमी। पत्नी का क्या नाम था, तो सुप्यार दे। इनकी पत्नी का भी नाम पूछा जा चुका है, सुप्यार दे या फूलम दे, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी, अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री थी। कहाँ की थी, अमरकोट के राजा थे सूरजमल, उनकी पुत्री कौन थी, सुप्यार दे। क्या नाम था, सुप्यार दे। क्या नाम था, सुप्यार दे, जो कि क्या थी, बाबूजी की पत्नी। माता का क्या नाम था बाबूजी के, कमला दे। पिताजी का क्या नाम था, धांधल जी राठौड़। मेला कहाँ कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को। इनका वंश कौन सा है, राठौड़ वंश। तो हर उस चीज को याद करते हुए चलना है जो अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। पत्नी का नाम सुप्यार दे या फूलम दे, दोनों ही नाम आए हुए हैं, सुप्यार दे या फूलम दे। तो सुप्यार दे और फूलम दे किनका नाम था, बाबूजी राठौड़ की पत्नी का। किनका, बाबूजी राठौड़ की पत्नी का। और सुप्यार दे या फूलम दे कहाँ से संबंध रखते हैं, तो अमरकोट के राजा थे सूरजमल, उनकी पुत्री कौन थी अपने, फूलम दे, जो बाबूजी के क्या थे, पत्नी के रूप में थे। तो पत्नी के रूप में बाबूजी के सुप्यार दे या फूलम दे, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल की क्या थी, पुत्री थी। ये बातें अपनी क्लियर हो गई है। तो अब देखते हैं अवतार। तो बाबूजी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जो राम श्री राम के भाई थे लक्ष्मण, उनका अवतार किन्हें माना जाता है अपने, बाबूजी को माना जाता है। तो हर उस चीज को याद करते हुए चलना है, अवतार किनका है बाबूजी, लक्ष्मण का। लक्ष्मण कौन थे, श्री राम के भाई, दशरथ के पुत्र श्री राम के भाई। तो लक्ष्मण का अवतार किन्हें माना जाता है, बाबूजी को। किन्हें माना जाता है, बाबूजी को। इन्हें जो है ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने वाले देवता कौन है, बाबूजी है। तो इनके उपनामों को देखते हुए भी चलना है अपने को, ऊंटों के देवता। क्या नाम है अपने पास, ऊंटों के देवता। किन्हें कहते हैं, बाबूजी को, प्लेग रक्षक देवता। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, थोड़ा सा इसीलिए जोर दे रहा हूं, ऊंटों के देवता,
प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, तीसरा नाम कौन सा दिया अपने, हाड़ फाड़ वाले देवता, चौथा है गायों के मुक्तिदाता। लगभग हर उस लोक देवता ने गाय की रक्षा की है। मैं लास्ट में आपको ऐसे भी बता दूंगा कि किनका जो है गाय के कारण वो पूजे जाते हैं, कौन से जो है अपने ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। थोड़ा सा आप वेट करें, आराम से क्लास से देखिए, हर उस चीज की आपको जानकारी दी जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये जो फैक्ट है आपको यही याद होने चाहिए, बिल्कुल, देवल चारणी की घोड़ी थी वो, देवल चामी नहीं, देवल चारणी की घोड़ी थी उदय कटारिया जी, कटारा जी, देवल चारणी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो मेला चैत्र अमावस्या को, वंश है राठौड़, जन्म है 1239 को, पिता धांदल जी, पत्नी का नाम था अपने सुप्यार दे या फूलम दे, कमला दे किनका नाम था, माता का नाम था, घोड़ी का नाम था केसर कालमी, सूरजमल की पुत्री कौन थी अपने सुप्यार दे या फूलम दे, कौन थी, सूरज सुप्यार दे या फूलम दे, जो कि क्या किस कैसे संबंधित थी बाबू जी से, बाबू जी की क्या लगते थे, पत्नी लगते थे, क्या लगते थे, पत्नी लगते थे। अवतार ये किनका माना जाता है अपने, लक्ष्मण जी का माना जाता है, राम जी के भाई लक्ष्मण जी का इनको क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। अगर बात करें ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, गायों के मुक्ति दाता, तो याद करते हुए चलना है। चैत्र अमावस्या, बिल्कुल पूजा जी, चैत्र अमावस्या याद करते हुए चलो। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं, मैं आशा करता हूँ याद हो गए होंगे, साथ में आप फोटो भी देख लो साहब, बिल्कुल पाग झुकी हुई, पाग थोड़ी सी झुकी हुई, हाथ में क्या है इनके, भाला है, क्या है, भाला है, तो याद करना है, पाग झुकी हुई भाला इनके हाथ में है। आगे इनका ना बताऊंगा पूरा, लेकिन यही आप देख लो फोटो में कि पाग इनकी थोड़ी सी झुकी हुई, हाथ में क्या है, भाला है, घोड़ी पे असवार ये स्वयं है। तो आपको ये चीजें क्या है याद करते हुए चलना है, पाग झुकी हुई हाथ में भाला, घोड़ी पे असवार कौन है, बाबूजी राठौड़, कौन है, बाबूजी राठौड़, फलोदी गांव, कौन सा गांव, फलोदी तहसील अपने जोधपुर जिला है, और कोड़ू गांव है, राठौड़ वंश है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है, धांदल जी पिता थे, कमला दे इनकी माँ थी, सुप्यार दे इनकी क्या थी, पत्नी थी, या फूलम देवी जिनको कहा जाता है, घोड़ी इनकी केसर कालमी थी, क्या थी, केसर कालमी थी। सबसे पहले राजस्थान में ऊंट जो लाए थे, जिनको श्रेय दिया जाता है, उनका नाम है बाबूजी राठौड़, कौन थे, बाबूजी राठौड़, अवतार इनको माना जाता है लक्ष्मण का, उपनाम ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, गायों के मुक्ति दाता, बिल्कुल वाइफ, सुप्यार दे या फूलम दे, दोनों दोनों ही पूछी जाती है पूजा जी, सुप्यार दे और फूलम दे, तो दोनों को एक साथ याद करते हैं। अगली बात अपन आते हैं बाबूजी राठौड़ की, जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जिनको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन पे अपन चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो लगभग 5 से 6 पॉइंट अपन ने याद किए हैं, आपको याद भी हो गए होंगे। अगली अपन बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं, बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के क्या होते हैं, पावड़े, जिनको गाया जाता है बाबूजी की पावड़ी, जिनकी जो कृति होती है कि बाबूजी के बारे में जो आपको जो धार्मिक चित्रण जो देखने को मिलता है वो पावड़े में देखने को मिलता है, जिनको जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है माठ, कौन सा बजाया जाता है, माठ, तो बाबूजी के पावड़े, बाबूजी के क्या होते हैं, पावड़े होते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है अपने माठ, क्या लिया जाता है, माठ, तो याद करना है बाबूजी के, वीरेंद्र योगी बिल्कुल, बाबूजी के पावड़े वाद्य यंत्र क्या होता है इनका, माट होता है, ये रेबारी जाति के देवता कहलाते हैं, किनके, रेबारी जाति के देवता कहलाते हैं। तो बाबूजी के पावड़े वाद्य यंत्र क्या है इनका, माट है, क्या है, माट है, बाबूजी के पावड़े वाद्य यंत्र इनका माट है, तो आप याद करते हुए चले, रेबारी जाति के ये देवता कहलाते हैं। तो रेबारी जाति ऊंटों से संबंधित होती है, इसलिए ऊंट लाने का श्रेय भी किनको जाता है, बाबूजी राठौड़ को, किस वंश से संबंधित है, राठौड़ वंश से। अपने बात करते हैं बाबूजी विवाह है के बीच में, बाबूजी की एक बात प्रसिद्ध है जो कि विवाह है, कि विवाह के फेरे माने जाते हैं 7, लेकिन होते कितने हैं, 4, कितने होते हैं, 4, 7 मत खा लेना, 4 ही खाने फेरे आपको, कितने खाने हैं, 4, क्योंकि पंडित आपको 4 ही खिलाएगा, तो फेरे खाने हैं 4, खाने नहीं है लगाने, खाने नहीं होते हैं फेरे, लगाने होते हैं, तो फेरे कितने लेने हैं आपको, 4। तो बाबूजी विवाह है के बीच में चौथे फेरे में ही क्या हो गए थे, उठकर अपने बहनोई, बहनोई का नाम क्या है याद कर लेना, जिंदराव खींची, क्या नाम है, जिंदराव खींची, बाबूजी जो थे चौथे
चौथे फेरे में बाबू जी का क्या हो रहा था, सुप्यारे देश से क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था, क्या हो रहा था अपने विवाह हो रहा था। तभी क्या पता चला साहब की जिंदराव खींची जी नाम थे, उनका क्या था बहनोई, बहन के पतिदेव, बहन के पतिदेव थे कौन, जिंदराव खींची जी। कौन थे, जिंदराव खींची। खींची से उनकी एक देवल चारणी थी, क्या नाम था, देवल चारणी। देवल चारणी थी, उनकी घोड़ी किनको प्रसिद्ध आई थी, अपने बाबू जी को का घोड़ी थी एक, जो अपने अपने बात की केसर काल में घोड़ी की, तो केसर काल में घोड़ी किनकी थी, देवल चारणी जी की। तो एक बार क्या हुआ कि बाबू जी को जो है वो घोड़ी पसंद आ गई थी, देवल चारणी जी की जो घोड़ी है केसर काल में, साथ में वही घोड़ी किनको पसंद आ गई थी, जिंदराव खींची को, जो कि बाबू जी के क्या लगते हैं, बहनों ही लगते हैं। तो जिंदराव खींची जी को भी वही घोड़ी, कौन सी, केसर कालमी, और वही घोड़ी किनको पसंद आ गई, अपने बाबूजी राठौड़ को, बाबूजी जो देवता है उनको पसंद आ गई थी। तो जो देवल चारणी जो थी, उन्होंने ये जो घोड़ी थी जिंदराव खींची को ना देके किनको दी, अपने बाबूजी को दी, किनको दी, बाबूजी को दी। तो इस बात से नाराज कौन हो गए, अपने जिंदराव खींची, कौन हो गए, जिंदराव खींची। तो अब जिंदराव खींची के मन में ये हो गया, साहब ना 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 ना, मैं तो घोड़ी लेके जाऊंगा, या तो घोड़ी दो वरना गाय चुराऊंगा। तो जिंदराव खींची जी को घोड़ी तो मिली नहीं, तो घोड़ी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, देवल चारणी थी उनकी, क्या चुरा ली अपने, उन्होंने गाय, क्या क्या चुरा ली उन्होंने, गाय चुरा ली, किनकी, देवल चारणी की, किन्होंने, बहनोई जो थे बाबू जी के जिंदराव खींची जी, उन्होंने उनकी क्या चुरा ली, गाय चुरा ली, और गांव गाय चुरा के ले गए। तो जब जब ये बात, जब जो बाबू जी तो जो थे वो उस टाइम विवाह में बैठे थे, उनके चार फेरे पूरे हो चुके थे, तो चौथे फेरे में वे उठ के चले गए। सर जी वीरेंद्र योगी सर जी, मैं JVNL की तैयारी करता हूँ, जिसमें 50 नंबर का राजस्थान जी के, बिल्कुल आप आराम से पढ़े, रेबारी जाति का अष्ट देव माना जाता है, बिल्कुल वीरेंद्र जी आप आराम से पढ़े, मजे से पढ़े, आपका हर हर वो प्रश्न क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो बाबू जी का शादी हो रही थी बाबू जी की, और चौथा फेरा हो चुका था, लेकिन बाबू जी को तभी पता चला कि बाबू जी के बहनोई है जिंदराव खींची जी, उन्होंने जो है देवल चारणी की जो गाय है वो ये चुरा के ले जा चुके हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए चौथे फेरे में कौन उठ गए थे, अपने बाबूजी उठ गए थे, कौन उठ गए थे, बाबूजी उठ गए थे, और बाबूजी ने युद्ध किया किनसे, बहनोई जिंदराव खींची जी से, देचू गांव में, कहां पे, देचू गांव में उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने जो बाबूजी ने उनकी देवल चारणी गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, और वहीं देचू गांव जोधपुर में ही बाबूजी क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो हर उस बात की चर्चा कर रहे हैं, हर उस बात से इंटरेस्ट लेके पढ़े, मजे से पढ़े, क्योंकि हर उस बात की अपन चर्चा करते हुए चल रहे हैं जो कि अपने यहाँ पे बात करना जरूरी होती है। तो बाबूजी विवाह के बीच में चौथे फेरे में उठकर चले गए, इसीलिए अपन लोग जो है कितने फेरे लेते हैं, चार फेरे ही लेते हैं। तो याद करते हुए चलना, अपन चार फेरे किस लिए लेते हैं, क्योंकि बाबूजी जो है ना वो चौथे फेरे में उठ के चले गए थे, किनकी गाय को छुड़ाने के लिए, देवल चारणी जी की। हर वो प्रश्न आया हुआ है जो मैंने लाइन में शामिल किया है, देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए, कहां वीरगति को प्राप्त हुआ, प्राप्त हुए बाबूजी देचू गांव जोधपुर में, कहां हुए थे, देचू गांव जोधपुर में। तो याद करते हुए चलना है, अगली बात पे आते हैं, रायका जाति, कौन सी जाति, रायका और रेबारी जो जाति है इनको क्या मानती है, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है, क्या मानती है, रायका या रेबारी जाति इनको क्या मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। साथ में थोरी व आयड़ जो जाति है ना, कौन सी, थोरी व आयड़ जो जाति है ना, वो भी इन्हें लोकप्रिय देवता के रूप में मानती है। तो दो जातियां आई है, रायका और रेबारी, साथ में आपको याद करना है, थोड़ी थोरी जाति जो होती है और आयड़ जो जाति होती है, तो रायका, कौन सी जाति, रायका जाति और अपने थोरी जाति, थोरी और आयड़ जाति, साथ में याद करें, रायका और रेबारी जाति और थोरी और आयड़ जाति, ये दोनों जो है तेजा जी को रायका और रेबारी तो आराध्य देव के रूप में पूछते हैं, और जो थोरी और आयड़ जो जाति है वो अपने लोकप्रिय देवता के रूप में पूछते हैं, किनके रूप में, लोकप्रिय देवता के रूप में पूछते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास पहुंचे, मेरे को पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आए, जैसे सभी पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ें, आराम से मन लगा के पढ़ें, 100% याद हो रहा है, ये मेरे को विश्वास है, मेरे को पता है कि आपको 100% जो है मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो बिंदु है वो आपको याद हो रहा है। अगली बात करते हैं, ऊंट लाने का जो श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है, अपने बाबूजी को, किनको दिया जाता है, बाबूजी राठौड़ को, किस वंश से थे बाबूजी, राठौड़ वंश से थे। तो
तो पाबू जी को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, किनको दिया जाता है, पाबू जी को, किनको, पाबू जी को। राजस्थान में सर्वप्रथम, ये भी प्रश्न आ चुका है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है किनको मिला हुआ है, पाबू जी राठौड़ को, किनको, पाबू जी राठौड़ को। ये किस देव, किस जाति के आराध्य देव है, तो रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव है, और प्रसिद्ध देवता ये थोरी और आयड़ जाति के क्या है, प्रसिद्ध देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये राठौड़ वंश से संबंधित है। देचू गांव में इनकी क्या हुई, वीर गति को ये प्राप्त हुए थे, किससे लड़ते हुए, बहनोई जिंदराव खींची से, और किनकी गायों को छुड़ाने के लिए, देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए। उनकी बात को भी मैंने बता दिया है कि उनकी एक घोड़ी थी केसर काल में, उस घोड़ी को छुड़ाने, उस घोड़ी को लेने के लिए जिंदराव खींची जी से क्या हुआ था, विरोध हुआ था, उसी कारण इन्होंने जो देवल चारणी की गाय चुराई थी और उनको छुड़ाने के लिए ही जो है बाबूजी जो राठौड़ है अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ऊंट लाने का, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो युद्ध लड़ने गए बीच में, पूजा जी बिल्कुल युद्ध लड़ने गए थे। ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है, अपने बाबू जी को दिया जाता है। तो हर उस बिंदु को देखते हुए, हर उस बिंदु को याद करते हुए चलना है जो आपके इंपोर्टेंट होगा, आगे किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं पाबू जी की फड़की। तो जो माठा वाद्य यंत्र से पाबू जी के पावड़े, माठा वाद्य यंत्र से पाबू जी के पावड़े, आपको याद करना है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ कौन सी जाति गाती है, नायक जाति, कौन सी, नायक जाति, याद करते हुए चलना है। हर वो प्रश्न आया हुआ है जो मैं जोर दे रहा हूं जिसपे, तो फड़ कौन, पाबू जी की फड़ किस जाति द्वारा, नायक जाति द्वारा, किसके द्वारा, नायक जाति द्वारा और भोपो द्वारा, नायक जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा पाबू जी की छड़ का वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा है, अपने रावण हत्ता, कौन सा है, रावण हत्ता। तो पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे करते हैं, किस वाद्य यंत्र से करते हैं, कमेंट करके बता दीजिए कौन सा वाद्य यंत्र अपना, रावण हत्ता, कौन सा है, रावण हत्ता। तो बिल्कुल याद करते हुए चलना है, रावण हत्ता, कौन सा है वाद्य यंत्र अपने, रावण हत्ता। पापू जी के फड़ का वाचन नायक नायक जाति के भोपो द्वारा, किस वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, इनके साथ क्या होती है, इनका वाचन किया जाता है, किसका, पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो याद करते हुए चलना है, याद हो भी जाएगा। चांदी की क्या है, इनकी फड़ है, इनकी जो फड़ है ना वो किसकी है, चांदी की है, किसकी है अपने, चांदी की है। तो याद करना है चांदी की फड़ किनकी है, अपने राव अपने पाबू जी की है, किनकी है, पाबू जी की, किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबू जी की आराधना में थाली लोक नृत्य भी किया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थाली लोक नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, पाबू जी की आराधना में किया जाता है, किनकी आराधना में, पाबू जी की, पाबू जी का जो जो पवाड़े होते हैं वो माठे वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। थाली लोक नृत्य किनकी जो है आराधना में गाए जाते हैं, तो पाबू जी की आराधना में गाए जाते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है नायक जाति के भोपो द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन करने के लिए, बिल्कुल याद करते हुए चलना है। साथ में ये चार चीजें हैं, हर बार एग्जाम में, बहुत से बार एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है, तो याद करते हुए चलना है। आगे चार नाम याद रखने, कितने नाम, चार, सबसे बड़ी है ना सर, हाँ, चांदा डेमा, चार याद, चार नाम याद करने, चांदा डेमा हरमल और सलजी, चांदा डेमा हरमल और सलजी, ये चार नाम आपको याद करने हैं। चांदा लिखना देखे कमेंट में, चांदा डेमा हरमल और सलजी कमेंट में लिखना देखे, चांदा डेमा हरमल और सलजी। सोलंक पाबू जी के क्या थे, रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। चांदा डेमा हरमल और सलजी, चांदा डेमा हरमल और सलजी आपको याद करने हैं। ये चारों जो है सोलंकी पाबू जी के रक्षक सहयोगी के रूप में माने जाते हैं। ये जो है आप एक कृति है आसिया मोरजी द्वारा रचित, कौन सी है, आसिया मोरजी द्वारा रचित पाबू प्रकाश, कौन सी रचना है अपने, पाबू प्रकाश, किनके द्वारा, आसिया मोरजी द्वारा रचित पाबू प्रकाश, पाबू जी के जीवन पर क्या डालती है, महत्वपूर्ण रचना है, या पाबू जी के जीवन पर प्रकाश डालती है, कौन सी, पाबू प्रकाश, किनकी रचना है, आसिया मोर जी की, किनकी रचना है, आसिया मोर जी की, बिल्कुल जैसा कि कटारा जी ने किया है वैसे सभी को करना है। चांदा
चांदा, डेमा, हरमल और सलजी, ये चारों आपको एक बार लिखने हैं ताकि याद हो जाए। रास या मोर जी की रचना है कौन सी? पाबू प्रकाश। तो पाबू जी के जीवन का महत्वपूर्ण उल्लेख जो मिलता है आपको पाबू प्रकाश में मिलेगा। लिखा किन्होंने है बाबू प्रकाश? अपने आशिया मोड़ जी ने। तो हर वो बात आपको जोर देते हुए चल रहा हूं, याद कराते हुए चल रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली बात है, पाबू जी बचपन से ही छुआछूत का विरोध करते थे। आपको ये नॉर्मल याद रखना है कि पाबू जी जो थे वो छुआछूत का क्या करते थे? अपने विरोध करते थे। इन्होंने मुस्लिम शासक दूदा सुमरा को, किनको? दूदा सुमरा को परास्त किया था, हराया था। किनको? दूदा सुमरा को। मुस्लिम शासक थे पाबू जी। बाई और झुकी पाग, बाई और झुकी, जैसा कि मैंने चित्र में देख के बताया था कि इनकी पाग कैसी है, झुकी हुई है, तो पाबू जी की बाई और झुकी पाग के लिए ये पाबू जी क्या है अपने प्रसिद्ध है। तो पाबू जी की पाग किधर झुकी हुई है? बाई और, ये होता है बायां। तो बाई और क्या है? पाबू जी की पाग झुकी हुई है और चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही इनको क्या माना जाता है? माना जाता है घोड़ी पे बैठे हैं, बाई और इनकी क्या है? पाग झुकी हुई है। देख लो, देखिए, ये बाई और इनकी क्या है? पाग झुकी हुई है, घोड़ी पे बैठे हैं, अश्वारोही है, अश्वारोही मतलब घोड़ी पे हैं, और भात में क्या है इनके? भाला है। तो याद करना है, चित्र से ज्यादा याद होता है, इसलिए चित्र भी शामिल किया गया है। बाई और पाग झुकी है, घोड़ी पे बैठे हैं, और हाथ में क्या है इनके? भाला है। तो हर उस चीज को याद करते हुए, साथ में याद कराने की गारंटी अपनी है कि हम याद कराते हुए आपको चल रहे हैं। तो ये थे अपने पाबू जी राठौड़। हर चीज आ जाएगी वीरेंद्र जी, हर चीज आ जाएगी, निश्चिंत रहिए। आपके पाबूजी राठौड़, 1239 फड़ोदी तहसील जोधपुर कौलो गांव में इनका जन्म हुआ था। वंश था राठौड़, मेला था चैत्र अमावस्या को। पिता धांधल जी, कमला दे माता का नाम, सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम, केसर काल में घोड़ी का नाम, अवतार थे लक्ष्मण जी का, उपनाम ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ वाले देवता, और गायों के मुक्ति दाता। किनकी गाय छुड़ाई थी इन्होंने? बताइए, देखिए, किनकी गाय छुड़ाई थी इन्होंने? किनकी गाय छुड़ाई थी बताइए? इन्होंने छुड़ाई थी अपने देवलचारिणी गाय। किनकी? देवलचारिणी की गाय। इनके जो है बहनोई का नाम बताइए, देखिए बहनोई का नाम क्या है? बिल्कुल कमेंट करना, देखिए बहनोई, बहनोई का नाम क्या है इनके? इनके बहनोई का नाम बताना, कमेंट करना। देवलचारिणी जी, देवलचारिणी है वीरेंद्र जी, देवलचारिणी जी की बहनोई का नाम बताना। रावण हता। पूजा जी आगे चल रहे हो, मैं देव उनके उनका पूछ रहा हूँ। बिल्कुल देवलचारिणी जी, देवलचारिणी, देवलचारिणी की गायें छुड़ाई थी। उनके बहनोई का नाम क्या था? बहनोई का नाम क्या था बताइए, देखिए जल्दी से। जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव खींची। आपको देखना है केसर काल भी, सब नाम एक साथ लिख दीजिए। क्या नाम है? राठौड़, चैत्र अमावस्या, धांधल जी, सुप्यार दे, कमला दे, केसर काल भी, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, सबको एक साथ लिखना ताकि याद हो जाए। पापूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ पापूजी विवाह के बीच में चौथे फेरे में उठ के चले गए थे देवल चांदनी की गायों को छुड़ाने के लिए, देव अपने बहनोई जिंदराव खेची के से लड़ने के लिए। कहाँ शहीद हुए थे पापूजी? डेचू गांव जोधपुर में। रायका जाति को, रायका जाति जो है इनको आराध्य देव मानती है। थोरी व आयड़ जाति के लोकप्रिय लोक देवता माने जाते हैं। ऊंट लाने का राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जो है इनको ही जाता है। हरमल, सलजी, चांदा, डेमा भी इनके क्या थे? रक्षक सहयोगी माने जाते हैं। पाबू प्रकाश की रचना आशिया मोड़ जी ने की थी। किन्होंने की थी? आशिया मोड़ जी ने। पाबू जी बचपन से ही छुआछूत के विरोधी थे। चिन्ह भाला लिए अश्वारोही, इनकी पाग जो है बाई और झुकी हुई अपने होती है। तो याद करते हुए चलना है, याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। अब अपने अपन जो है अपन ने जो है पाबू जी को पढ़ लिया है, पाबू जी को याद कर लिया है। पाबू जी के और फैक्ट जो है अपने जैसे जैसे सामने आएंगे या जैसे जैसे अपन शामिल करेंगे, क्योंकि याद होने चाहिए, एक साथ तो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हर जगह आपको पाबू जी के फैक्ट अगर एक दो और मिलते हैं, एक दो और आते हैं, हर वो चीज आपकी शामिल कर ली जाएगी जो कि आगे भी आपके आएगी। तो आप जितना आपको पढ़ाया जाता है आपको उतना याद होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा आपको पढ़ाता नहीं हूँ, केवल लिमिटेड पढ़ाता हूँ ताकि आपको वो चीजें याद हो जाए। तो मैंने मैंने जो पहले बाबूजी राठौड़ को पढ़ाया वो आपको याद हो गया होगा, मेरी आशा है। अब अपन जो चलते हैं, रामदेव जी, पन जिनको पीर भी कहा जाता है, रामदेव जी, मुसलमान जो समाज है इनको क्या कहता है? पीर कहता है। क्या कहता है? पीर कहता है। तो रामदेव जी के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिनके आप जो है साइड में फोटो भी देख लीजिए कि रामदेव जी ये है, रामदेव जी ऐसे अपने दिखते हैं, क्योंकि सभी पहचानते हैं वैसे, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लगाई है ताकि आपको पता चले कि ये रामदेव जी है।
रामदेव जी अपने भाला लिए अश्वारोही रामदेव जी भी है, लेकिन पाग जो बाई और झुकी हुई बाबू जी की है। तो हर उस शख्स को जोड़ते हुए चलना है, हर उस फैक्ट को जोड़ते हुए चलना है जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट होता है। और मैं केवल पढ़ाने में ध्यान देता हूँ, पढ़ाता हूँ ताकि आपको हर वो चीज जल्दी से जल्दी पूरी करा सकूं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपोर्टेंट होती है। तो बात करते हैं अपन रामदेव जी की। किनकी? रामदेव जी की। रामदेव जी के गुरु क्या नाम था अपने? बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी उड्डू काश्मीर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बालीनाथ जी की जो है मसूरिया पहाड़ी में क्या है? समाधि बनी हुई है मसूरिया पहाड़ी में। तो याद करना है मसूरिया पहाड़ी में इनकी क्या है? समाधि बनी हुई है। मसूरिया पहाड़ी में क्या है? इनकी समाधि बनी हुई है बालीनाथ जी। तो याद करना है हर उस फैक्ट को, हर उस चीज को बिल्कुल याद करते हुए चलना है। एक बार शेयर कर दीजिए दबा के ताकि सभी के पास अपना वीडियो पहुंच जाए। तो रामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं, अपने दो लोक देवताओं को लेके चलेंगे ताकि आपको याद होता हुआ चले। मेरी यहाँ पे जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आपको याद कराऊं, इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर दिया है, थोड़ा सा इस पे जोर दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, दूसरी बार आपको पढ़ना ही ना पड़े। अपन बात करते हैं रामदेव जी की। किनकी बात करते हैं? रामदेव जी की बात करते हैं। रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी अपने लोक देवता हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बाड़मेर के। कब हुआ था? बाड़मेर के शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में। बाड़मेर के शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में कब हुआ था? 1409 ईस्वी को। कब हुआ था? 1409 ईस्वी को। तो बाड़मेर के शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में 1409 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? अपने रामदेव जी का। किनका हुआ था? राम देव जी का। याद करते हुए चले 1409 बाड़मेर जिला शिव तहसील उड्डू काश्मीर गांव। याद करते हुए चले बाड़मेर जिला शिव तहसील उड्डू काश्मीर गांव 1409। पिता का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी, जो कि किस वंश से संबंधित थे? अपने तवर वंश से। किस वंश से थे? तवर वंश से। रामदेव जी को याद करते हुए चलना है, बहुत कम मैटर आपको दे रहा हूं ताकि आपको माइंड पे जोर ना पड़े, याद हो जाए। बाड़मेर शिव तहसील उड्डू काश्मीर 1409, कमेंट में लिखे बाड़मेर शिव तहसील उड्डू काश्मीर 1409। अजमाल जी तवर वंशीय। अजमाल जी तवर वंशीय। अपने माता कौन थी? मैना दे। माता कौन थे इनके? मैना दे। अजमाल जी कौन थे? पिता अजमाल जी, पिता माता मैना दे। बाड़मेर शिव तहसील उड्डू काश्मीर 1409। अजमाल जी पापा का नाम था, पिताजी का नाम था माता मैना दे। कौन थे? माता थे मैना दे। वंशज श्री कृष्ण के किनको? वो थे लक्ष्मण के। बाबू जी किनके वंशज थे? अपने लक्ष्मण के। और ये है अपने श्री कृष्ण के वंशज। किनके? श्री कृष्ण के। तो याद करते हुए चलना है रामदेव जी को किनके वंशज माना जाता है? श्री कृष्ण के वंशज माना जाता है। गुरु का नाम बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। इनकी जो समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी पे आपके बनी हुई है। तो ये भी आप फैक्ट लिख सकते हो, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी अपने जीके भाई नरेश यादव सर के टेलीग्राम चैनल पे। श्री कृष्ण के अवतार कौन माने जाते हैं? रामदेव जी। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। क्या नाम था अपने? बालीनाथ जी। गुरु का नाम बालीनाथ जी। जिंदराव खींची बालीनाथ जी वंशज श्री कृष्ण के माने जाते हैं। गुरु का नाम था बालीनाथ जी। मसूरिया पहाड़ी पे समाधि बनी हुई है। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। उनकी पत्नी का नाम, बाबू जी की पत्नी का नाम सुप्यार दे। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे। क्या? निहाल दे। नेतल दे या निहाल दे। अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह की पुत्री। किनकी पुत्री? सोडा दल्ले सिंह की पुत्री। 1426 में इनका जो है जो संबंध हो गया था। तो पत्नी कौन है? नेतल दे या निहाल दे। कौन है? नाम क्या है? नेतल दे या निहाल दे। बालकनाथ, ये वही है बालीनाथ या बालकनाथ। इनको बालकनाथ भी बोलते हैं और बालीनाथ भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। मसूरिया पहाड़ी पे इनका जो है स्थान है, इनकी समाधि मसूरिया पहाड़ी पे है। तो हर वो चीज याद कर ले जो आपके काम में आ सकती है। तो बालकनाथ या बालीनाथ, मसूरिया पहाड़ी पे समाधि है। वंशज है श्री कृष्ण के। किनके हैं ये वंशज? श्री कृष्ण के हैं। गुरु है बालीनाथ, पत्नी है नेतल दे या निहाल दे। सोडा दल्ले सिंह जी की पुत्री थी नेतल दे। अमरकोट के सोडा थे दल्ले सिंह जी, इनकी पुत्री थी। बड़ा भाई का नाम क्या है? वीरम दे। क्या नाम है? वीरम दे। जो कि किनके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण जी के भाई कौन थे अपने? बलराम जी। तो इनके अवतार कौन माने जाते हैं? वीरम जी। कौन दे? वीरम दे।
के नाम से उनके भाई प्रसिद्ध है और बलराम के नाम से इनको जाना जाता है कि बलराम के वंशज ये थे और श्री कृष्ण के वंशज कौन थे अपने रामदेव जी। इनको दोनों का जो है अपन कंपैरिजन करते हुए चलना है ताकि याद आपको हो जाए। बड़ा भाई का नाम था वीरमदेव, कृष्ण जी के भाई का नाम बलराम था, तो ये भी बलराम के वंशज कहे जाते हैं। कौन? वीरम जी, वीरमदेव। घोड़ा, इनका जो घोड़ा था लीला घोड़ा, किस नाम से? लीले घोड़ेरा सवार किनको माना जाता है? रामदेव जी को। लीले घोड़ेरा सवार राम देव जी को माना जाता है। किनको माना जाता है? अपने राम देव जी को। किसका अवतार, किस घोड़े का नाम? लीले घोड़ेरा सवार रामदेव जी को माना जाता है। तो घोड़े का क्या नाम लेना है अपने को? लीला घोड़ा। क्या नाम लेना है? लीला घोड़ा। रामदेव जी का अवतार ये किनके माने जाते हैं? विष्णु के या कृष्ण के? वंशज ये कृष्ण के माने जाते हैं और अवतार माने जाते हैं विष्णु के। किनके? विष्णु के। तो बिल्कुल याद हो गया होगा, उड्डू काश्मीर बाड़मेर गांव 1409, सॉरी जन्म 1409, बाड़मेर के शिव तहसील उड्डू काश्मीर अपना नाम है। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम था मैणा दे, पत्नी का नाम था अपने नेतल दे या निहाल दे, सॉरी नेतल दे या निहाल दे। गुरु का नाम था बालीनाथ, भाई का नाम था वीरम दे, और ये जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, तो बोला जाता है नीले घोड़ेरा असवार किनको? राम देव जी को। किनको? राम देव जी को। तो मैं आशा करता हूं ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है आपको याद हो गई है, 100% आपको याद हो गई, क्योंकि बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं। तो अगली बात पे अपन चलते हैं। पत्नी का नाम नेतल जी, गुरु बालीनाथ जी, वंशज श्री कृष्ण के, माता मैणा दे, पिता का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? अजमाल जी। अगली बात करते हैं, इनका जो मेला लगता है किनका? रामदेव जी का। रामदेव जी का जो मेला लगता है कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से अपने एकादशी तक क्या लगता है? इनका मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। प्रतीक चिन्ह क्या लेते हैं? पगला। तो पगले किनके प्रसिद्ध है? अपने रामदेव जी के। किनके प्रसिद्ध है? रामदेव जी के। बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनको मेला इनका मेला लगता है। पगला प्रतीक चिन्ह के रूप में किनको लेते हैं? अपने पगला को। जो खड़ाऊ होती है, जो चप्पलें होती हैं, उनको क्या कहते हैं? पगले कहते हैं, जो कि पगले के रूप में पूजे जाते हैं। अपन ऐसे स्थानीय भाषा में चप्पल कहते हैं और पगले होते हैं उनकी खड़ाऊ के रूप में जिनको लिया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह क्या है? पगले है। मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? अपने जम्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्बा जागरण कहते हैं। तो रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जम्बा जागरण कहते हैं। तो हर उस चीज को याद करते हुए चलना है। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, प्रतीक चिन्ह पगल्या, मेघवाल भक्त रीखिया, और रात्रि जागरण जम्बा जागरण जिसको कहा जाता है, वो रात्रि जागरण अपने रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है। तो चमत्कार इन्होंने जो चमत्कार ये देते थे रामदेव जी, इनको क्या कहते हैं? अपने परचा। क्या कहते हैं? परचा। परचा इनको कहते हैं जो चमत्कार दिए जाते हैं देवताओं के द्वारा, उनको अपन कहते हैं परचा। तो रामदेव जी भी क्या देते थे? अपने परचा देते थे। क्या देते थे? परचा। तो याद करते हुए अपने को चलना है। इनके मंदिर को क्या कहते हैं? अपने देवरा। क्या कहते हैं? देवरा अपने कहते हैं। तो याद करते हुए चलना है। पर्चे को क्या कहते हैं? चमत्कार को क्या कहते हैं? परचा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा अपने कहते हैं। भजन को क्या कहते हैं? ब्यावले। तो रामदेव जी के क्या प्रसिद्ध है? ब्यावले प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? अपने ब्यावले। चमत्कार परचा, मंदिर को देवरा, ब्यावले किनको कहते हैं? अपने भजनों को। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? देवरा, सॉरी ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने ब्यावले। बहन का नाम क्या है? ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। रामदेव जी की सिस्टर का नाम क्या है? बहन का नाम क्या है? तो रामदेव जी की जो बहन है उनका नाम था क्या? सुगना बाई। क्या है? सुगना बाई। अपने को बोलना है सुगना बाई। क्या बोलना है? सुगना बाई, रामदेव जी की बहन। विवाह है किनके साथ हुआ था? पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह से। पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह से किनका विवाह हुआ था? अपने सुगना बाई का। किनका? सुगना बाई। सुगना बाई रिश्ते में रामदेव जी के क्या थे? बहीन थे। क्या थे? बहीन थे। विवाह हुआ था पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह से। किनका? रामदेव जी की बहीन सुगना बाई का। चमत्कारों को क्या कहते हैं? परचा कहते हैं। तो याद करते हुए अपने को चलना है, कहीं और नहीं भटकना है, बिल्कुल याद करना है। कम मैटर दिया जा रहा है लेकिन याद कराते हुए चल रहा है, तो ये याद रखना आप।
कम मैटर हो सकता है कम हो, लेकिन आपको याद जरूर कराया जा रहा है, जो कहीं भी आपको नहीं कराया जाता। ध्वजा को क्या कहते हैं अपने? नेजा कहते हैं। ध्वजा पांच रंगों में होती है। कितने रंगों में होती है? पांच रंगों में होती है, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। तो ध्वजा नेजा। धर्म बहिन जो थी इनकी, उनको कहते थे डाली बाई। क्या कहते थे? डाली बाई। बहिन जो थी, सगी बहन जिनको माना जाता है, सुगना बाई, जिनका जो विवाह हुआ था विजय सिंह जी के साथ हुआ था, पोंगलगढ़ के थे ये। और धर्म बहिन माना जाता है अपने डाली बाई को, जो कि किस जाति से थी? मेघवाल जाति से। इसीलिए रामदेव जी को मेघवाल जाति के जो है भक्त भी पूछते हैं। तो रामदेव जी मेघवाल जाति की इनकी जो है धर्म बहिनी थी, जिनका नाम था डाली बाई। क्या नाम था अपने? डाली बाई। इनका मंदिर बिल्कुल आ जाएगा पूजा जी, अभी मंदिर भी आ जाएगा इनका। ये जो चीजें थी आपको याद हो गई ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें को यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। अगली इनकी जो रचनाओं पे चलते हैं, इनकी जो बातें हैं और उन पे अपन यहाँ पे चलते हैं, तो इनकी बातें करते हैं अपन। इनकी जो रचना है उनका नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है? 24 बाणियां। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रामदेव जी की रचनाओं का क्या नाम है? 24 बाणियां। समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो समाधि स्थल रामदेव, राम सरोवर की पाल पे रुणेचा। कहाँ पे है अपने समाधि स्थल? रुणेचा में है। कहाँ पे बना हुआ है? राम सरोवर है रुणेचा में। रामदेवरा जो है उसको बोलते हैं रुणेचा। तो रुणेचा राम सरोवर बना हुआ है, उनकी पाल पे जो है समाधि स्थल बना हुआ है। किनका? रामदेव जी का। किनका बना हुआ है? रामदेव जी का जो है समाधि स्थल आपके बना हुआ है। रचना 24 बाणियां। रचना जो है 24 बाणियां। समाधि स्थल राम सरोवर की पाल पे। इनके जो भक्त या यात्री जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जातरू। कि रामदेव जी के कौन आ रहे हैं? जातरू आ रहे हैं। तो याद करना है रामदेव जी के कौन आते हैं? जातरू आते हैं। रचना 24 बाणियां। रचना 24 बाणियां। समाधि स्थल रामदेवरा की, राम सरोवर जो है रामदेवरा में या रुणेचा में उनकी पाल पे बसा हुआ है अपने राम देवरा। उपनाम जो है रामदेव जी के किस नाम से जाना जाता है? उपनाम है राम सापीर। मुसलमानों द्वारा जो है इनको पीर कहा जाता है, इसलिए राम सापीर। भाई जी बुक में देखा था तब उसमें राम सापीर, मुसलमानों द्वारा रूणिचारा धनी, पीरों के पीर, कुष्ठ रोग निवारक, कुष्ठ रोग निवारक भी इनको कहा जाता है। राम सापीर भी मुसलमानों द्वारा इनको कहा जाता है। रूणिचारा धनी भी इनको कहा जाता है। पीरों के पीर भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग निवारक भी इनको कहा जाता है। तो मैं ये आपको उपनाम बता रहा हूं, हर उस एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से आपको पूछे जा चुके हैं, तो याद करना है उपनाम। राम सापीर, रूणिचारा धनी, पीरों के पीर, कुष्ठ रोग निवारक देवता, तो आपको याद करते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है नृत्य। नृत्य है तेरे है ताली नृत्य। कौन सा है तेरे ताली नृत्य? कांवड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरे है ताली नृत्य। तो कांवड़िया पंथ की जाति द्वारा, सॉरी, कांवड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरे है ताली नृत्य। किनके लिए प्रसिद्ध है? अपने रामदेव जी के लिए। किनके लिए प्रसिद्ध है? रामदेव जी के लिए। कांवड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरे है ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरे ताली नृत्य। किनके लिए प्रसिद्ध है? रामदेव जी के लिए। तो याद करते भी अपने को चलना है। उपनाम राम सापीर, मुसलमानों द्वारा रूणिचारा धनी, पीरों के पीर, कुष्ठ रोग निवारक नृत्य तेरे ताली नृत्य। कांवड़िया पंथ की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरे ताली नृत्य। बाकी नृत्यों के बारे में अपन इस विस्तार से देखेंगे अलग क्लास में। यहाँ पे केवल रामदेव जी की जो जानकारी है, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है, वहीं पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। इनके मंदिरों की बात कर लेते हैं कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। तो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहाँ है? एक तो रुणेचा में है, रुणेचा में जो है वो आपको पता चल गया। दूसरा है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, जो कि मसूरिया पहाड़ी पे जो इनके गुरु थे बालकनाथ जी, इनकी भी जो समाधि बनी हुई है, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है इनका एक और मंदिर। अगला मंदिर है बिराठिया पाली में। कहाँ है अपने? बिराठिया पाली में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराठिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़, छोटा रामदेवरा गुजरात में इनका मंदिर है। विवरण, इनका जो विवरण है, क्या अलग अलग बात है रामदेव जी के बारे में, वो भी अपन देख लेते हैं। रामदेव जी ने अपनी योग साधना के बल पर
तांत्रिक भैरव का क्या किया था, वध किया था। इंपॉर्टेंट बात है, तांत्रिक भैरव का वध किन्होंने किया था, रामदेव जी ने किया था, अपनी योग साधना के बल पर जो तांत्रिक भैरव उसका वध किया था, और पोकरण के आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित की थी। तो हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे लिखी गई है, जो कि आपको बताई जा रही है, तो हर उस चीज को ध्यान से देखें। रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े का बना घोड़ा भी क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो रामदेव जी के घुड़ले क्या प्रसिद्ध है, रामदेव जी के घुड़ले। तो हर उस चीज को देखते हुए चलना है। ये अपन ने आज रामदेव जी और बाबू जी के बारे में जाना है। अपन जो है आगे की जो चर्चा करेंगे अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आगे का जो क्लास है उसका शेड्यूल का टाइम हो चुका है। तो अपन यहाँ तक ही रोकते हैं रामदेव जी को, कल थोड़ी सी चर्चा और कर लेंगे रामदेव जी पे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अपन ने बाबूजी राठौड़ और रामदेव जी जो कि तवर वंशीय थे उनके अपन ने चर्चा की है, उनकी कौन सी घोड़ी थी, वो उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं ना, उन सभी की अपन ने यहाँ क्या की है, चर्चा की है। और पढ़ने के अलावा दूसरा काम अपन यहाँ पे करते नहीं है। तो बिल्कुल आपको पढ़ते हुए चलना है, हर उस चीज को साथ रखना है। 1426 में शादी भी दे रखी है इसमें वीरेंद्र जी, बिल्कुल बताया होगा मैंने 1426 में शादी। हाँ तो पढ़ लेना, आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाएगी जीके भाई नरेश यादव सर के जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी जो लिंक है आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। जो पीछे की 3 से 4 क्लासे हो चुकी है उनको भी आप देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो फ्री में ऐसा मैटर आपको प्रोवाइड होता रहे और आप आराम से पढ़ते रहें। तो बिल्कुल ध्यान देते रहें, आराम से पढ़ते रहें, मजे से पढ़ते रहें। आप आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में इससे आगे अपन चलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।